ये बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी हैदराबाद में उस परिवार की नींद हराम कर रही है। और मैं देख रहा हूं अब तेलंगाना के लोगों ने भाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। तेलंगाना में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है उसका लाभ तेलंगाना की इंडस्ट्री को हो रहा है, यहाँ के टूरिज्म को हो रहा है। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। आज यहां बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में 2-2 आधुनिक 6-9 एक्सप्रेसवे मिले। मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, ये उत्साह बताता है, तो ऊपर देख रहा हूं वहां तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है।